हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा प्लस टू पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स एंड रिसेंट चेंजिंग, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और उसमें बदलाव। तो पिछले दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1990 के बाद जो भारतीय राजनीति में जो आए जो बदलाव हैं और उन बदलावों से भारत की जो राजनीति उसकी दशा और दिशा जो है वो प्रभावित हुई है। उसमें हमने जो मंडल कमीशन है उसके बारे में पढ़ा, जो राम मंदिर का जो मुद्दा है बीजेपी के द्वारा हिंदू जो वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, सोमनाथ से अयोध्या तक जो 20,000 किलोमीटर की एक यात्रा तय करनी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, और उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर जो गठबंधन सरकारों का जो उदय होता है उन गठबंधन सरकारों के कारण क्या थे और गठबंधन सरकार के कारक और गठबंधन सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसी लेसन से रिलेटेड, वो है कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता को लेकर। सांप्रदायिकता, इस सांप्रदायिकता में जो जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें ये देखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या है। पहले तो हम देखेंगे सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कि सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भारतीय जो राजनीति है उस पर सांप्रदायिकता के कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका अभिप्राय देखने की कोशिश करेंगे हम, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब एक धर्म विशेष के लोग, कोई भी एक ही धर्म विशेष के लोग, यानी कि सांप्रदायिकता जो है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संकुचित भावना है। संकुचित मतलब क्या है कि जो अपने ही धर्म विशेष के लोगों को प्रायोरिटी देता है, चाहे वो उसका अपना एक सामाजिक लक्ष्य हो, चाहे उसका अपना एक आर्थिक लक्ष्य हो, चाहे उसका अपना एक राजनीतिक लक्ष्य हो, उन राजनीतिक लक्ष्यों या जो हित हैं उनको साधने की एक संकुचित भावना है, और उसी संकुचित भावना से वो दूसरे धर्म विशेष के लोगों को मतलब प्रायोरिटी नहीं देता है या उनके साथ भेदभाव करता है, तो वो सांप्रदायिकता कहलाती है। लेकिन थोड़ा सा इससे जाकर के भी हम देखते हैं कि जब एक धर्म विशेष के लोग किसी धर्म दूसरे धर्म विशेष के लोगों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक प्रकार से सांप्रदायिकता है। मानसिक मतलब क्या है कि जैसे मान लो, देखो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर कहीं पर भी कम्युनल राइट्स होते हैं, तो कहीं का भी कोई भी मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो वो अपने आप को अनसिक्योर फील करने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में एक भय होता है कि सांप्रदायिकता की भावना इतनी जोर ना पकड़ ले कि जिससे कि उसको भी शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान होना पड़े। तो उसको एक मन में या साइकोलॉजिकल एक मतलब प्रभाव पड़ता है इसका, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है या कोई झगड़ा हो जाता है या इस फसाद वगैरह होता है, तो एक भय का माहौल क्रिएट हो जाता है हर मुस्लिम समुदाय को लेकर के। तो ये हम ये देख सकते हैं कि ये सांप्रदायिकता कहलाती, एक संकुचित भावना है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता है उसके कारण क्या है। देखो, उसके कारण हम एक तो आजादी से पहले भी कुछ कारण रहे होंगे, तो आजादी से पहले और आजादी के बाद दूसरा, दोनों कारण की हम खोजने की कोशिश करेंगे।
यानी कि जो भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता है उसके कारण यदि हम खोजें या उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये स्थिति वर्तमान की नहीं है बल्कि आज से 100-200 साल पहले की है। उसके लिए हमने पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और उसके लिए अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हैं, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, वो नीति जिसके दम पर उन्होंने 250 वर्षों तक इस देश के ऊपर शासन किया, लगभग 200 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है, उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो इसमें हम देखते हैं आजादी से पहले भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता की शुरुआत है, आजादी से पहले की हम देखें कोशिश करें तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। वो क्या है, देखो अपने देश के अंदर 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति, वो 1857 की जो क्रांति है वो क्रांति जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है। ऐसा नहीं कि लगभग हम हजार वर्षों तक एक साथ रहते आए हैं, तो 1857 की जो क्रांति है वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और वो कैसे है देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के अंदर जो हिंदू राजा थे या उस क्रांति के अंदर भाग लेने वाले जो हिंदू लोग थे उन्होंने अपना लीडर माना था एक मुस्लिम जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। यानी कि जो हिंदू राजे रजवाड़े थे ना और भारत की जो हिंदू जो पॉपुलेशन जो थी उन्होंने अपना लीडर माना था, अपना नेता माना था किसको, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। इससे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और क्या हो सकती है कि उसको एक अपना लीडर माना। हालांकि वो 1857 की क्रांति किन्हीं कारणों से जो है वो असफल हुई, लेकिन वो असफल नहीं थी, वो सफल थी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहां से फिर भारत के अंदर आजादी की जो एक आंदोलन है, जो लड़ाई है, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या काम किया, क्योंकि उनके मन में एक बात ये महसूस हो गई थी या उनको मतलब विश्वास हो गया था कि यदि इस प्रकार हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो एकता हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हमें ज्यादा दिन तक फिर यहां हम टिक नहीं पाएंगे। अब उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसी नीतियां बनाई कि जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नफरत जो है, एक कटुता, एक घृणा या परस्पर अविश्वास पैदा हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया कि 1857 की क्रांति में उन्होंने जो भारतीय मुसलमान थे उन भारतीय मुसलमानों को उत्तरदायी माना, भारतीय मुसलमानों को उत्तरदायी माना और उनको एक प्रकार से हम उन्होंने क्या काम किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जो भी जैसे मान लो वो प्रायोरिटी देने लगे हिंदुओं को, उसी दौरान आप देखते हो कि जो हिंदू बिल कोड वगैरह है या जैसे सती प्रथा को लेकर के है या बाल विवाह को लेकर के है या जैसे विधवा पुनर्विवाह को लेकर के है, तो ऐसे काफी उन्होंने सुधार किए और हिंदुओं का दिल जीतने की कोशिश की। और जो बड़े सार्वजनिक पद हैं या सरकारी सेवाएं वगैरह हैं उनमें वो प्रायोरिटी देने लगे हिंदुओं को और मुसलमानों को वो इग्नोर करने लगे। इससे क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय के अंदर क्योंकि उनको उस शासन में भागीदारी न मिल पाने से और उनका आर्थिक पिछड़ापन हुआ, उस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपको पता है कि 1875 के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है, जो उसके बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, तो जो सर सैयद अहमद खां जो थे उन्होंने मुसलमानों को अवेयर करने की कोशिश की कि भी आपको भारत के जो भारत के अंदर जो रूलर है अंग्रेज जो है इनको दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए, आपको जो वेस्टर्न कल्चर जो है या एजुकेशन जो है उसको प्राप्त करना चाहिए और
साथ के साथ जो है उनको ब्रिटिशर्स का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच यहाँ अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी इसके लिए कटुता जो है वो पैदा होने लगी थी। अब हम देखते हैं कि 1885 के अंदर जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और लगभग 20 वर्षों तक इसके ऊपर उदारवादियों का प्रभाव रहा और फिर इसके अंदर जो गरम दल के जो नेता थे उनका मतलब आगाज होता है। अब यहाँ क्या होता है देखो कि भारतीयों के अंदर जो बढ़ रही नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसे अंग्रेज अपने आप को खतरा महसूस करने लगे और अब उन्होंने क्या काम किया, मुसलमानों के कान भरने शुरू कर दिए कि भी कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, आप यहाँ माइनॉरिटी में हैं, कल इंडिया यदि इंडिपेंडेंस होगा या वो स्वतंत्र बनेगा तो फिर यहाँ जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है, आप यहाँ माइनॉरिटी के रूप में रह जाओगे या फिर आगे प्राइम मिनिस्टर बनेगा या उस मंत्रिमंडल में जो प्राथमिकता होगी वो हिंदुओं की होगी। तो इसी भावना से उन्होंने क्या काम किया, एक तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। वो बंगाल का विभाजन क्या था कि जो पृथक क्षेत्र बनाया गया था, एक मुस्लिम बहुल इलाका बनाया, एक हिंदू बहुल इलाका बनाया ताकि उनमें मुसलमानों की मेजोरिटी हो। तो इससे क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसी समय हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल, अंग्रेज प्रिंसिपल होते थे ऑर्चिबॉल्ड उनका नाम था। उस ऑर्चिबॉल्ड के मतलब जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी संस्कृति या उसके आधार पर एक प्रतिनिधि जो है वो लॉर्ड मिंटो से मिला था, वायसराय जो मिंटो था वायसराय उससे मिला था और वो शिमला में मिले और फिर वायसराय ने इनको आश्वस्त कर दिया कि भाई हम आपको जो काउंसिल जो परिषद के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हम आपको अलग से सीट आपके लिए रिजर्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1906 में एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी कांग्रेस पार्टी के पैरेलल मुस्लिम लीग, और वो मुस्लिम लीग मुसलमान के हितों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां जो हैं या उनके मन में कटुता जो है एक प्रकार से अविश्वास या घृणा जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ने लगी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी कांग्रेस पार्टी के पहले ताकि इनके अंदर दूरियां बढ़े। और साथ के साथ हम देखते हैं कि 1909 के अंदर मुसलमानों के लिए अलग से सीट जो है वो रिजर्व कर दी और उसमें ये व्यवस्था थी कि एक मुसलमान ही मुसलमान को वोट करेगा। देखो कितनी गहरी साजिश थी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो थी कि एक मुस्लिम जो है वो मुसलमान को ही वोट करेगा और उनकी कुछ सीट जो है वो निर्धारित कर दी। तो ये हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग का एक कद्दावर नेता था और भारतीय मुसलमानों के ऊपर उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, वो थी मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी, उसकी एक हट थी कि वो खुद बोलता था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग अलग कौम हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते, इनके बीच रोटी और बेटी का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग कौम है, हम नहीं रह सकते एक साथ। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो टू नेशन थ्योरी लेकर के आया, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो लेकर के आया, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो लेकर के आया कि हमें एक अलग देश चाहिए। और उसी की जिद थी, उसी की ये हट थी कि मुझे एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान। और 1942 के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग का कराची के अंदर अधिवेशन हुआ था और उन्होंने खुल करके नारा दिया था कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे
कांग्रेस या महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि एक अलग देश पाकिस्तान बने, लेकिन 1946 यानी 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन यानी तुरंत कार्रवाई, कोलकाता में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई थी और वहां मुस्लिम बहुल इलाका था और हिंदू के जो घर थे परिवार थे उनके साथ हिंसा बलात्कार या मारपीट उसके ऊपर उतारू हो गए थे और अपने देश के अंदर जो है सांप्रदायिकता यानी कि जो कम्युनल राइट्स जो है सांप्रदायिक दंगे जो हैं उनकी शुरुआत हो गई थी। और फिर महात्मा गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि भाई पाकिस्तान जो है वो मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी प्रेशर में आ गई और उसने मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान ली और एक अलग देश बना पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि आजादी के बाद जो भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता की शुरुआत है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ, उस इंडिया के पार्टीशन में आजादी के बाद जो माइग्रेट हुआ था, माइग्रेशन जो हुआ था, जैसे पाकिस्तान से आने वाले जो हिंदू थे या यहाँ से जाने वाले जो मुस्लिम जो थे, तो उनके बीच जो है इस प्रकार सांप्रदायिक झड़पें हुई, कम्युनल राइट्स हुए, दंगे हुए, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, विशेषकर जो महिलाएं और छोटे बच्चे थे, ये जो वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, सबसे ज़्यादा इन्होंने सफ़र जो है वो फेस किया था। तो आपने शायद मूवी देखी होंगी दो, एक तो जैसे गदर एक प्रेम कथा और भाग मिल्खा भाग, ये सब जो है वो इंडियन पार्टीशंस के ऊपर आधारित है। 5 लाख लोग, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, 5 लाख लोग मारे गए थे उस जमाने में, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोग, कई इतिहासकार तो कहते हैं 20 लाख लोग जो है उनकी हत्या हुई थी, 80 लाख लोग प्रभावित हुए थे, उनका माइग्रेशन हुआ था एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर। और फिर इस माइग्रेशन के दौरान जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई थी उस विभाजन के बाद, वो ज्यादतियाँ जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच और ज्यादा घृणा या नफरत उसने पैदा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता है आज़ादी के बाद, तो जम्मू कश्मीर को लेकर के 2-3 युद्ध हुए हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऊपर हमला होता है, कभी बम्बई बम ब्लास्ट होता है, 2001 में भारतीय संसद पर हमला होता है, जयपुर में सीरियल बम धमाके होते हैं, उड़ी और पठानकोट के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, या एक प्रकार से हम देखते हैं कि 1965 के अंदर जो हजरत बल जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ जो एक बाल चोरी होने के बाद जो है वो सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए और फिर उस बड़ी मशक्कत के बाद, उस समय अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और काफ़ी मशक्कत के बाद उसकी शुरुआत हुई। तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद भी काफ़ी अपने देश के अंदर कम्युनल राइट्स में गोधरा कांड हुआ है 2002 के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है वो काफ़ी एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं या कम्युनल राइट्स जो है वो हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है भारत का विभाजन, यानी कि सांप्रदायिकता के जो कारण है, तो सबसे पहला है भारत का विभाजन। तो जो भारत का विभाजन हुआ था, नंबर एक है भारत का विभाजन, जो भारत का विभाजन हुआ था उस विभाजन के में, यानी कि जो रातों रात ये फैसला लिया गया था एक प्रकार से, वहाँ जो लोग थे उनको नहीं पता था कि आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, कोई जनमत संग्रह वगैरह वो भी नहीं करवाया गया था। तो उस दौरान काफ़ी हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, लूटपाट हुई थी, हत्या हुई थी, रस्ते में किसी की बहन के साथ बलात्कार हुआ, किसी के भाई की जो है वो हत्या हो गई, किसी का पिता जो है वो पहुँच नहीं पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो कटुता, वो घृणा, वो नफरत वो अब भी बरकरार है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के प्रति जो ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था उस हिंसा के दौरान, वो दिलो दिमाग और मस्तिष्क के ऊपर जो है वो अब भी प्रभाव डाले हुए है, या हम देख सकते हैं कि वो भारत विभाजन के दौरान इन लोगों ने इस प्रकार के जो सफर जो है वो फेस किए थे, तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है धार्मिक कट्टरता,
दूसरा कारण है धार्मिक कट्टरता, यानी कि हर धर्म के अंदर कुछ ऐसे चरमपंथी, दक्षिणपंथी या नैरो माइंडेड लोग होते हैं जो अपने धर्म विशेष के लोगों को, लोगों के धार्मिक जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भावनाएं जो हैं, उन धार्मिक भावनाओं को बढ़ाते हैं, और उस धार्मिक भावनाओं से अंदर क्या होता है कि दूसरे धर्म विशेष के लोगों के साथ वो नफरत करने लग जाते हैं, या उनके अंदर आपसी मेलजोल या भाईचारा जो है, सहयोग जो है वो नहीं बढ़ पाता है। तो कुछ ऐसे धार्मिक कट्टर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चरमपंथी लोग होते हैं, जो उन जो इनोसेंट्स जो पीपल होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं, उनको धार्मिक भावनाओं को उनका एक प्रकार से बढ़ा करके और उनका दूसरे धर्म विशेष के लोगों के साथ वो नफरत करने लग जाते हैं। तो ये है धार्मिक कट्टरता, जिससे के कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। नंबर तीन है, और वो नंबर तीन है कि सरकार की जो नीतियां पॉलिसीज वगैरह हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करना। जैसे देखो अपने देश के अंदर जो सरकारी दबाव है या सरकारी नियंत्रण है एक प्रकार, या उसको नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करना। जैसे देखो 1985 के अंदर जब अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो 1986 के अंदर एक मामला आया था। वो मामला ये था कि भाई जो मुस्लिम महिला है या वो परित्यक्ता नारी है, तो वो व्यक्ति जो है, वो मुस्लिम व्यक्ति जो है, उसको भत्ता देने के लिए बाध्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए, राज्य करने के लिए। वो उनका ऐसा मानना है कि ये भी हमारे धर्म, अपनी शरिया या अपने जो कुरान जो है वो उसके खिलाफ है। तो ये इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकारी जो नियंत्रण या नीतियाँ जो उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। नंबर चार, कुछ ऐसे सरकारी फैसले होते हैं जिनका वो विरोध करते हैं। तो जो सरकारी जो कानून वगैरह है या फैसले वगैरह है जो उनका विरोध करते हैं, जैसे हम बात करें कि 1998 में उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार जो थी, तो उसमें राष्ट्र गीत और वंदे मातरम जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ माना कि हम अपने अल्लाह के सिवाय जो और किसी के सामने स्तुति अर्चना नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि वो अपने ही देश के अंदर है या अपने ही देश के जो कानून है या संविधान वगैरह है उसको नहीं मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक अलगाववादी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। नंबर पाँच क्या है, कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल जिनका आधार जो है वो धर्म के ऊपर टिके हुए हैं, जैसे अकाली दल है, हिंदू महासभा है, या असुद्दीन ओवैसी का AIIMS है, या जैसे जमायत इस्लामी है। तो ऐसे कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो कुछ ऐसे जो सत्ता लोलुप जो व्यक्ति होते हैं या वो शॉर्टकट तरीके से जो है वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन धार्मिक भावनाओं का खूब जो है आधार के ऊपर उन लोगों का वो धार्मिक शोषण करते हैं या धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे कि उन लोगों के बीच और ज़्यादा जो है वो नफरत बढ़ने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुसलमानों की जो धार्मिक कट्टरता है, इसमें तो आ गई ये पागल। तो ये था भी भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता है उसके कारण कौन कौन से हैं। तो भारत का विभाजन, धार्मिक कट्टरता, सरकारी नियंत्रण या सरकारी नीतियों का विरोध करना, या कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, उस जो सत्ता लोलुप जो व्यक्ति होते हैं वो शॉर्टकट मेथड से सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, तो वो धार्मिक भावनाओं का खूब चुनाव प्रचार के दौरान उन धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के बीच जो है वो परस्पर सहयोग नहीं हो पाता है, और उनके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि कट्टरता जो है वो, या छठा जो हम कारण है वो हम ये देख सकते हैं कि उनके बीच कुछ ऐसे मतलब सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन होगा लोगों के अंदर। देखो गरीबी,
बेरोजगारी ये व्यक्ति के मन में एक असंतोष का भाव पैदा कर देती है, और वो असंतोष का भाव जो है वो दूसरे जो समृद्ध जो लोग हैं या जिनकी एजुकेशन लेवल में उनसे आगे हैं तो उनसे वो नफरत करने लग जाता है। क्योंकि यदि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, एजुकेशन के मामले में वो आगे है, तो ऐसा व्यक्ति शांति चाहता है क्योंकि शांति में विकास है। लेकिन जहां पिछड़ापन होगा, आर्थिक रूप से भी गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो वो पिछड़ापन जो है वो व्यक्ति के मन में एक असंतोष का भाव पैदा कर देता है, और वो असंतोष का भाव जो है वो अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। तो ये सब कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। कल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सांप्रदायिकता को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है और किस प्रकार सांप्रदायिकता जो है वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। धन्यवाद।